अपनी पार्टी बिचा बाहर कड्ढिया नहीं कड्ढिया असं उंदे कन्नै वी गल करियै दस्सनी, लेकिन इस सिलसिले उप्पर सियासत दे विच बड़ा ज्यादा घमासान होई जांदा कि इस दे उप्पर की रोशनी पागे। पिंपल जी, सारे कोला पहले तुहाडा बड़ा बड़ा धन्यवाद शुक्रिया कि तुसी इत्थे आए। मैं तुसी दसदी हां कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा पूरे बिलावर दी जिहड़ी आवाम है उहदी ऋणी है, और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा किसी लीडर दे पिछे कोई लीडर नहीं हन। अगर वह लीडर न तो उंदे पिछे पूरी बलौर दी जनता है, वो पूरी जनता दे पिछे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा लीडर न। आजाद उम्मीदवार जिसे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जीते हे, गरीब लोग उंदे कन्नै हे, जिसे दूई बार जीते उसले भी बिलावर दे लोगों का सहान है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा उपर, उसले भी लोग उंदे कन्नै हे, और त्री बारी भी मैं आखना चाहना, त्री बारी भी डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जितते हे हारते हे, 4000 वोट बधाया हा उन्हें डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ने। और इस करिए मैं तुसें आखना चाहना कि किसी लीडर के पिछे ये मत कोई बहम चरू है, पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर और पूरे अवाम की मैं आखी देना चाहना, मत कोई बहम चरू है कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा कुसे लीडर के पिछे न, बल्कि अगर कोई पिछे डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा के बाकी पिछे न, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा कुसे के पिछे नहीं है। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जिंदाबाद, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार, आपकी बार, मनोहर लाल जिंदाबाद, 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 मनोहर लाल जिंदाबाद, 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 आपकी बार, आपकी बार, मनोहर लाल, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी जिंदाबाद। डॉक्टर साहब जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर साहब जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, मैं पता कैसे रूल फील का बेटा, मैं बहुत सुना नहीं वाह, क्या हाल है लीडर की जरा वो पब्लिक बनाती है कि वोट राइट ऑफ वोट पब्लिक की है। लोगों की ज़्यादातर डिमांड यही कि मतलब इन्हें इग्नोर किया गया जी, है मिनिस्टर है फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट पर डिस्ट्रिक्ट बनाई है जनरल सैकटरी फलाना, मतलब ये बिल्कुल नहीं है, प्रमोशन नहीं किया, डी प्रमोशन किया गया। लोगों की रिजेंटमेंट यही कि तुम इन्नी मेहनत मार दो तो तुम मतलब कोई फैसला लेना चाहिए। लोगों की आवाज़ आवाज ही कि तुम इंडिपेंडेंट कैंडीडेट मतलब अपने कंटेस्ट करो करना चाहते हो, लेकिन आजाद साहब कहने इन रिलेशन अच्छे है, इन्हें आजाद साहब कहने ज्वाइन किया। इन्हें मीन बाइल पार्टी भी कोई डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई, वो काफ़ी असं मीटिंगा की, जम्मू भी गए और डॉक्टर साहब का भी असें मतलब काफ़ी उससे मसले साथ दिता कि ठीक है अगर आजाद साहब चाहते कोई पार्टी बनाना वी वेर वेलकम। असें आजाद साहब के फेवर च काम किया, डॉक्टर साहब ने दिन रात काम किया उनके कन्ने। हूँ मेरे नोटिस भी कोई 5-7 दिन पहले की गल है आया कि महाराज कड्ढी उड़ा, मैं साल पहले पहला फोन राती 9:30 बजे आया, ऐ डॉक्टर साहब ही कड्ढी उड़ा, हूँ क्यों होना, महा कुछ नहीं होना यार, डॉक्टर साहब लोगों के जुड़े दे फील्ड वर्कर न, एक मतलब नॉर्मल मतलब फैमिली जब उठी गए न, सरपंच बने फिर MLA बने मिनिस्टर बने, वो लोगों के चलते हैं, इस करी कोई मतलब मसला नहीं है कड्ढी उड़ा। कुछ पार्टी करने या पूरे कुछ दिग्गज नेता करने नहीं जुड़े, लोगों जुड़े, देखो लीडर कौन बनाता, पब्लिक बनाती, पब्लिक के हाथ चाबी होती है, पब्लिक वोट पाती तो लीडर बनता, लीडर कोई घर नहीं बनता। अज फिर जैसे स्थिति ऐसी बनी दी है कि मतलब उन्हें आख्या कड्ढी उड़ा, हूँ पता नहीं क्यों कड्ढिया, अस अज डॉक्टर साहब को सुनने चाहने के होया, लेकिन जहाँ तक कड्ढिया साड़ी आवाज़ ही है कि कोई आजाद नहीं कुछ नहीं अटेंड करना, करना लोगों ही अटेंड करना, लोगों ही चली जाओ, बस इन्हें हरी है अगर दिखी लगे जैसा भी होग वो डील करे। शुक्रिया। ढिड तो कमंड बड़ा ढिड बढ़िया नहीं, वो भी नहीं खरा दिया कमंड बढ़िया जरा चला था ना सिलसिले कमंडे की गल है सारी, ढिड तो कमंड जरो बधी जान जिसलै ये अपने भी गले कन्ने लाण नहीं दिंदे, ढिड ते घमंड जरो बधी जान जिसलै ये अपने भी गले कन्ने लाण नहीं दिंदे, गम ते बीमारी करी खोखला टकांदियां, सुन्ने दे ग्राह भी बैद खाण नहीं दिंदे, गम ते बीमारी खरी खोखला करी खोखला टकांदियां, सुन्ने दे ग्राह भी बैद खाण नहीं दिंदे, बरखा का पानी जदों हद कोला बधी जा उगा पानी दिखे भी तूफान बनी जंदे न, हद कोला बधी जान जिसलै आदमी ते आदमी भी बड़े भी शैतान बनी जंदे न, हद कोला बधी जान जिस वेलै आदमी अदब आदमी भी बड़े भी शैतान बनी जंदे न, बहम ते शक वे लाजियां बीमारियां, बहम ते शक वे लाजियां बीमारियां, इंदे कन्नै लोग बेरान होई जंदे न,
चुगली ते मेजरी भी दोवें भैन सखियां इंदे करी दिखो कम सहान होई जंदे न। जीवों दी नरम सख्ती अकड़ घमांडे नहीं चलता त्रुटी जाता। जीवों दी नरम सदा कन्नै रौंदी है दंद दंद दे बाद विच पहले चढ़ी जंदे न। जीवों दी नरम सदा कन्नै रौंदी है दंद दंद दे बाद विच पहले चढ़ी जंदे न। अद्ध कोला बधी जान जिस वेल नहीं जीवन दी बाद विच जीवन दी नरम ते सदा कन्नै रौंदी है दंद दंद दे बाद विच पहले चढ़ी जंदे न। लिमगी झुकाई लैंदी बड़े बड़े सुरमे लिमगी ने इज्जता दे मान बड़े होंदे न। आकड़ें गी छोड़ी दू आकड़ें गी छोड़ी दे आकड़ें गी छोड़ी दे ते नरमी च होई जा आकड़ा ने बंदे गुनाहगार बनी जंदे न। आकड़ा गी भन्नी जदू आकड़ा गी जदू आकड़े दा लोहा जदू भट्ठी च पकाओ ते बड़े सोहने उसदे हथियार बनी जंदे न। बड़े सोहने उसदे हथियार बनी जंदे न। ढिड्ड ते घमंड यरो बधी जान जुसलै ढिड्ड ते घमंड यरो बधी जान जुसलै अपने भी गले कन्नै लाण नहीं दिंदे न। गम ते बीमारी करी खोखला टकांदियां सुन्ने दे ग्राह भी वैद खान नहीं दिंदे न। जय हिंद जय भारत अल्लाह हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है बैठे दे कुर्सियां पर मौजूद हजरात बिलावर खान सी खुशी दे आए दे सारे दे सारे निक्के बड़े सारे ही अस्सलाम वालेकुम दा दावत दे। बड़ी अफसोस की गल है खूबसूरत है साढ़ा जागत पढ़ा लिखा पी आई डी है कढ़वाइया पार्टियां पार्टियां थोड़े मगर फिर पीपल दुनिया थोड़े कन्ने पीपल्स वाइस वाइस ऑफ गॉड शर्मा साहब के गल करा तुसी ये लोग तुसी चाहते दिल्ली ये जान इसे कुछ शेयर बोले पट्टी उन्हें अपने ने रफीक साहब ने यह थोड़े से जान निशावर कर सकते अगर अं कर सकता मतलब अपने मास्टर बचारे सीनियर होने मेरा हाल उम्र के साहब 73 साल उम्र है जो खुडा खुडा चले दा थोड़े वास्तव तो बाकी दुनिया थोड़े कन्ने गल् बड़ियां लेकिन सवाल इसका डॉक्टर साहब जिसल भी फैसला ले गए हेल्दी फैसला लियो ये थोड़े कन्ने समाज है और दुनिया थोड़े कन्ने लेकिन शैल बढ़िया फैसला लेना कोई बड़े आराम कन्ने जल्दबाजी नहीं करनी। मैं तो चाहता नहीं हाँ कि अब मीटिंग होती अजें 2-4 दिन और ठंडे होना तो मीटिंग करनी बड़ी मेहरबानी शुक्रिया आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। खुशी खुशी में अपना गुजारा करती थी दो बनवासी सत्यानाशी उनकी आंख में आ खड़की थी मसला है बनिया कि शैल असर पहले भी डॉक्टर साहब ने शर्मा साहब मीटिंग करते हे तो जी तुम आख्या कि 35 साल 30 साल साढ़ा खानदानी कांग्रेसी लोग बड़े बड़े सियाने बैठे बिच लेकिन मसला कुछ ऐसा बनिया जी नवी नवी नूह होंगी ना घर सारे ने दसा डोगरे लोग अस उतें क्या होंगे कि सारे चाह हों नूह आई है मड़ा किन्ने अच्छे संस्कार हो चलो सारे चाह हों चलो आखना मतलब चली पाया सिलसिला लेकिन जिसलै नूहां दी कदर नहीं फुलके भी शैल बनदी शैल सुआदला न्योड़ा बनांदी सब्जी शैल बनांदी लेकिन कदर घटी है तो उन्हें कोई फैसला लेने पौंदा साढ़े कन्ने ते साढ़े डॉक्टर साहब कन्ने कुछ ऐसा होआ दा एह्दे कोई शक नहीं है। इन्हें सर तुसें मिनिस्टर बनाया असें MLA बनाया MLA बनाइयै मिनिस्टर बनाई ओड़ेआ लेकिन इन्हें दिता के पार्टी ने केह् दिता ओह ना कदरी घटदे घटदे साढ़े रोज तकरीबन करदे रहिंदे सलाई बच्चे करचै जां ते भाई बख हो जाचै घर च गै लाई फैमिली है के बख होना ते मैं ना डॉक्टर साहब नहीं मनन ये बड़े सहनशीलता न बड़े शरीफ न असें 2-4 बजे मीटिंगा शीटिंग कीती असें डॉक्टर साहब फैसला लियो आम लोगों की आवाज़ आई कि आजाद तुसी इ'यां करो सर आजाद मतलब कैंडीडेट इलेक्शन लड़ो तुसें पहले भी आजाद की इलेक्शन लड़ी तो आजाद अस सारे थोड़े कन्ने सारे आखे भाई आखे सारे हाथ खड़ा करो आखे सारे दिक्खो सर लोगों की आवाज़ अच्छा चलो इन द मीन बाल साढ़े सुपरस्टार लीडर अस कदर करने आजाद साहब की लोगों कन्नै लड़ाइया भाई कुछ मुन्ने पे नहीं डॉक्टर उन्दे कन्नै कोई ना इंदा नाम लिया पूछो सारे लोगों भाई आजाद साहब इज मोस्ट इंटेलीजेंट इंटरनेशनल लीडर बड़ी लेकिन ये कल परसों जी तुम अपनी में शाम बेलै फुलका फुलका खाइए कंबल लेइयै लेटी रहना एक तो एक निक्का जिहा जागत है मेरा भतरीजा बैठ दा सर कोई 9:30 बजे फोन किया नुहाड़ा नारा की है फोन किया जल्ले तो हून क्या होइया महां क्या होइया डॉक्टर साहब कड्ढी ओड़िया मेरा हा कंबल गै भुंञें छंड लगी गई त्राह दे मारे च ते केह् होया कदिया कड्ढू यार गल लगे महाराज फोन कोई 200 शर्मा साहब फोन आया होना हून केह् होना मैं कक्ख नहीं होना यार वह लीडर न वह वर्कर न वह फील्ड दे निकले न महाराज माफ करना इतने स्टेज उपरों गल नहीं आखनी लेकिन तजर्बा की गल है तो तुम समझी होगे कि कुछ होंगे तजर्बा ज्यादा
सवाल इस चीज़ का है, कुछ नहीं होना दोस्तों। अज मिगी इन्नी खुशी होआ दी इत्थे कि बगैर एक फोन है कुसै पुज्जा दा कुसै नहीं पुज्जा। डाक्टर साहब शर्मा साहब एह्दे कोला घट्ट कोला घट्ट 250-300 बंदा होर होना हा, लेकिन साढ़े इलाके च इक फिलहाल सिस्टम है, जागन बड़े भारी। मेरे रामपुर जग है, महा बड़ा भारी मतलब जग है, बाबा जोगधन दा मंदर है, ओह भी जग है, मतलब नरसिंह दे बड़े भारी जग होंदे। एह सारे लोग जेहड़े आए इक काल उप्पर आए, अस बड़ियां गल्लां होईयां, फैसला डाक्टर साहब ने करना, लेकिन दिक्खो कोई हैल्दी फैसला करियो। चांडू सौदा दिओ करदे, चांडू सौदा नहीं करदे, लोग बड़े परेशान न। शर्मा साहब बहुत परेशान लोग न, इ'यां लोकें दी रुट्टी बंद होई दी ऐ, भगवान दी कसम कन्नै। अस जेल्लै फील्ड जन्ने, बगैर फील्ड वर्कर सर जेल्लै जन्ने समाज च पुछदे हून केह् होना, महां केह् होना, गोलियां चलियां, बंब फटे, कुछ नहीं होना यार। साढ़ा लीडर जिंदाबाद, साढ़ा जागत खूबसूरत ऐ, कड़वाइयां घाटा ही कोई नहीं। डॉक्टर खूबसूरत है, साडा जागत पढ़ा लिखा पीएचडी है, कड़वाइयां कोई पार्टियां, पार्टियां तुहाडे मगर फिरदियां, पीपल दुनिया तुहाडे कन्नै, पीपल्स वाइस वाइस ऑफ गॉड। शर्मा साहब केह गल करा तुसी, ये लोग तुसी चाहते दिल्ली, ये जाड़ इसे कुछ शेर बोले पट्टी उन्हें अपने ने रफीक साहब ने, ये तुहाडे आस्तै जान निशावर कर सकते। अगर अ'ऊं करी सकना, एह् मतलब अपने मास्टर बचैरे सीनियर होने मेरा हा, उम्र दे स्हाब 73-74 साल उम्र ऐ, ते अ'ऊं खुड्डा खुड्डा चले दा तुआढ़े वास्तै, ते बाकी दुनिया तुआढ़े कन्नै, गल्लां बड़ियां न। लेकिन सोआल इसदा, डाक्टर साहब जिसलै बी फैसला लेगे, हैल्दी फैसला लेओ, एह् तुआढ़े कन्नै समाज ऐ और दुनिया तुआढ़े कन्नै ऐ, लेकिन शैल बधिया फैसला लैना, कोई बड़े आराम कन्नै, जल्दबाजी नहीं करनी। मैं ते चाहंदा नहीं कि अज्ज मीटिंग होती, अजें 2-4 दिन होर ठंडे होना हा ते मीटिंग करनी ही। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई शासन दे विच बड़ा बड़ा घमासान होई जाता जम्मू कश्मीर दे विच। एक तरफ जिहड़ी नैशनल पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की छड्डिया को साढ़े जम्मू कश्मीर दे पूर्व चीफ मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने, इस सारे जनता की पता, जम्मू कश्मीर की जनता की पता और हिंदुस्तान की भी पता, दी जनता की पता, लेकिन उन्दे पिछे साढ़े जम्मू कश्मीर दे गै बड़े बड़े दिग्गज और आगे नामी चेहरे जेड़े, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की अलविदा आखुड़िया। लेकिन कुछ दिनों बाद जनता ने भी देखिया कि कांग्रेस पार्टी के पिछे गुलाम नबी आजाद साहब और गुलाम नबी आजाद साहब के पिछे बड़े बड़े चेहरे जियां कि बिलावर दे गरीबें दे मसीहा डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, उनका नाम भी है। लेकिन अज की डेट के चार पाँच दिन के गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी बिचा त्रै बड़े दिग्गज चेहरे जड़े ना उन्हें बाहर कढ़ी दिता। जनता बिच काफ़ी ज़्यादा रोष है। अज असें भी कवरेज करनी, साढ़े जम्मू कश्मीर के जेडे सीनियर पत्रकार भी हैं उन्हें भी कवरेज की है, लेकिन असें बिलावर दे जेहड़े साढ़े नेता असें उनकी कवरेज इस गल्ला करने कि अस भी बिलावर लोकल अस इत्थुआं न, क्योंकि लोकल लोकें बिच भी बड़ी सारी चर्चा है। अज्ज भी असें डॉक्टर साहब उंदा कोला टाइम लेइयै इंदा असें इंटरव्यू करना, क्योंकि जिन्नी इत्थे जनता आ दी है ना, तो मिगी लगदा नहीं है कि असें भी अगर टाइम मिलग इंदे कन्नै गल करने आस्तै। असें पुछना कि ऐसी केड़ी कंडीशन होई है जिस कंडीशन कन्नै गुलाम नबी आजाद साहब ने तुसें पार्टियां बिचा कढ़ी दित्ता बाहर, क्योंकि जनता का यह कहना, क्योंकि जनता एक MLA भी बनाती है, एक चीफ मिनिस्टर बनाती है, ना कि कोई लीडर कुसै पार्टी का नुमाइंदा होंदा, ना ही कोई नेता का पिछड़ा जाता, लेकिन लीडर बिच अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि इन्हें लोगों का यह कहना कि डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा हरदे नहीं है बल्कि वह विन रहे, क्योंकि पिछले को भी पिछले ज़्यादा उन्हें 3-4 हज़ार वोट जो ज़्यादा लेता, लेकिन फिर भी गुलाम नबी आजाद साहब की ऐसी कैसी कंडीशन बनी कि जेडे एडे नामी चेहरे जो अपनी पार्टी बिचा बाहर कढ़ी दिता। अच्छा जरूर कवरेज करनी है दसनी है, क्योंकि जेके नारे लगा दे ना, ये नारे कोई आम बंदे नहीं ला दे, बल्कि गरीब लोग जेके जिन्हें लोकें भरोसा कि बिलावर दे विच कोई बदलाव जरूर होना। जनता का रिक्वेस्ट करना कि अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे देनी और इस वीडियो की ज़्यादा कोला ज़्यादा शेयर करना। मैं कोशिश करनी है डॉक्टर साहब उनके कन्नै गल करने की, अगर टाइम मिले तो ठीक है, नहीं तो असें 2-4 दिन के भी जरूर इनका इंटरव्यू करिए, असें पूछना है, क्योंकि सवाल जनता दे ते असें पूछने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मने च गल थी, एक तड़फ थी, बिलावर और जम्मू कश्मीर के प्रति अस एक सोच रखते कि जम्मू कश्मीर और बिलावर जब बिलावर के कन्नै लगते इलाके जड़े न
डिस्ट्रिक्ट कठुआ दे और खासकर ये पहाड़ी क्षेत्र बलावर दा बसोली दा बनी दा मलहार दा जिहड़ा इलाका है ये सारा इग्नोर होया चाहे साड़ियां सरकारां रहियां चाहे सबका सरकारां रहियां बड़ा घट ध्यान इस इलाके दा पिछे रहा जिन्हें लीडरां दे पिछे अस चलदे रहे ते नुहाड़े हा पहले भी लीडर जो अज दी सरकार है उंदा बड़ा घट ध्यान इन इलाके रहा अस लड़ते रहे जो थोड़ा मदद मिलिया ये संघर्ष का नतीजा ओदा सारा क्रैडिट तुसें देना मैं अस भी कुसै पार्टी दे पिछे लग्गू लीडर होंदे ते इये साहब होना जेहड़ा सत्तर सालों का इत्थे होंदा रहा तुसें एक पछाण दित्ती तुसें अपने बिच एक ग्रां दा मेरी क्या पछाण है मैं एक फौजी का पुत्र है एक सूबेदार का पुत्र है और एक किसान का पुत्र है थोड़े कने इस ग्रां दा रहने वाला एक खेतीबाड़ी करने परिवार जा निकलिया मैं और मेहनत की है तुसें मेरे कने चलो तुसें एक विश्वास मिगी दिता मेरा सहयोग दिता और अस अग्गे बधे अज दिखने वो बड़िया चीज़ा जी असें शुरू कीतियाँ उत्थे रुक दी मैं नानी लग चाहे लिफ्ट इरीगेशन की गल करने बलौर हस्पिटल की गल करने बलौर यूनिवर्सिटी कैंपस की गल करने नर्सिंग कॉलेज की गल करने किन्ने लिफ्ट किन्ने नहर किन्ने ब्रिजिज कुत्थै न अज बारह बारह घंटे बिजली है अगर कुदै मनोहर लाल शर्मा ने बिजली के उपर सरकार की बीजेपी खिंचया हर सभा च बोलिया बीजेपी की सरकार एल जी एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की ते ये साजिश रची गई साढ़े खिलाफ अगर असें लोगों की सेवा करनी है तो लोगों के मुद्दे उठाने पौग और जल्द नेता लोगों के कन्ने नहीं खड़ोग लोगों की आवाज भी बुलंद करग तो उसी मैं आखना इस फील्ड च नहीं आना चाहिए दो ही तरीके न जब सरकार च रही है लोगों के हित च फैसले करो अगर तो सरकार का रोल नहीं मिलता तुम्हें अपोजिशन का विपक्ष का रोल बनता तो विपक्ष बैठिया लोगों के मुद्दे से संघर्ष करो सरकार की झुकाओ और एडमिनिस्ट्रेशन हाओ काम कराने मजबूर करो मैं भाग जो ईश्वर ने साड़ी सर्विस लिख दी अस करके एक दिन दो दिन पहले ही फैसला होंगे त्रै दिन पहले मनोहर की और बाकी लोगों पार्टी का बाहर कढ़ाया जाता और त्रीजा दिन बीजेपी की एक्टिविटी बलावर शुरू हो जाती सिंगेट से जग होंगे क्या मतलब है कोई नहीं सही आखी है त्रीया दिन निर्मल सिंह होर उत्थे लांच हो जाते बीजेपी की तरफ होया सिंगेट जग या नहीं होया पता तुसें स्टाल लगे धाम हुई लोग घर काढ़ गए तीन दिन के अंदर अंदर ये साजिश नहीं है और की है ये तुसें फैसला तुसें करना मेरा एक वोट है ये फैसला तुसें करना एक चक्र भी रचे जा इ 2014 किया लोगों का मन हा कि मनोहर लाल की वोट पाना लोगों ये विश्वास दिते दा पक्का और एक झूठा प्रचार करिया चक्र भी रचे अज तक मेरी पार्टी उसलै भी मुलबस सी मेरी पार्टी के लीडर उसलै भी बिच शामिल है और मिकी हराने का उन्होंने बाद च नाम दिता गया उन्हें एम एस सी बनाया गया गलत है झूठ आखर नाम मैं गलत है मिगी चूते मारो उत्थे थोड़े सामने कुत्थे मेरे आका उस सुत दे मेरे लीडर कुत्थे हैं मेरे रैबर कुत्थे हैं जिथे मैं अपने जीवन का 25 साल तुसें कन्ने लेइयै हजारों लोगों अपने जीवन का तन मन नशावर करी दिता जम्मू जलसा हुंदा बलौर दे लोग तोड़दे कठुआ जलसा बलौर दे लोग तोड़दे दयाले चक्कर जलसा बलौर दे पब्लिक दौड़दी या बलावर जलसा कुदै जलसा स्टेट च नहीं होंदा बलावर जलसा 2010-11 ही जलसा कराया कुत्थै फिंदर जाना और जलसे दे हफ्ते बाद मेरे खिलाफ अकाउंटेबिलिटी केस कांग्रेस दे एक लीडर ने फाइल किया और जेड़ा कांग्रेस दा रैबर हाउस ने प्रदेश अध्यक्ष उन्हें उसे अकाउंटेबिलिटी चेयरमैन की आखिया तू कि मैं बनाया और मेरा अज तेरा वक्त है मेरा ऋण चुकाने का मेरा कसूर क्या हा कि मैं गुलाम नबी आजाद जेडे अध्यक्ष ने यूनियन मिनिस्टर है उनका जलसा फेंदर कराया तू सारे साक्षी जलसा ठीक 7 दिन पहले एक बड़ा लीडर कश्मीर का आंदा वो मिगी आइए समझा और आखदा सो साहब कने आइए नहीं तो बड़ा नुकसान उठा पे तुम
आओ तुसें असें कैबिनेट मिनिस्टर बनाने जेह्ड़ा मैं मंगदा मैं लै मैं विश्वासघात नहीं कर सकता जिस लीडर कन्नै चला ना मैं लास्ट सांस तक ओह्दे कन्नै ओह् मिगी धोखा देग मैं नहीं दे सकता। मनोहर लाल शर्मा दे बिच मेरे परिवार दी ऐसी संस्कार मेरे DNA च धोखा नहीं है। मैं तुसें बार बार आख्या मैं धोखा नहीं दे सकता मैं धोखा खाई सकना। मैं MLA बनना होंदा दोबारा 2014 इ'यै BJP मेरे कदमें च चुकदी बार बार चक्कर ला दी। मैं नहीं कंप्रोमाइज किया मैंने नहीं बनना के विचारधारा ही डिफरेंसिस सोच डिफरेंसिस। और मेरे केईं वर्कर साथी लीडर मेरे नाराज है ठीक है पावर हा बाहर रहना मुश्किल होता परेशानियां उठाइया तुसें मिगी एहसास है। ये 8 साल तुसें बड़ा कठिन समय दिखा केइयें FIR लगी झूठिया केइयें थाने कीता ये गुंडा राज ये सरकार जड़ी थी ये गुंडागर्दी दी सरकार ही लोकें परेशान किया तुस मेरे कन्नै फिर खुड़ते रहे। मैं तुसें फिर अपना सलूट करना थोड़े जज्बे की मगर ये गल नहीं है कि मनोहर लाल की कोई चकाई दे चक्कर भी उस फसाइए सरेंडर करा कुसै कुसै नेता अग्गें कुसै पार्टी की विचारधारा कन्नै वो कभी नहीं हो सकता। मैं MLA बना नहीं बना मैं तुसें अज्ज आखी ओड़िया मैं MLA बना नहीं बना तुस अज्ज फैसला करियै जाओ मैं नहीं लड़गा इलेक्शन मगर मैं थोड़े आस्तै संघर्ष करदा रौह्गा मिकी कोई जरूरत नहीं MLAship दी तुस अज्ज आखो मैं अज्ज सरेंडर करना मैं अज्ज ऐलान करी दिन्ना मगर मिकी लोकें दी सेवा करने आस्तै कोई रोकी नहीं सकदा लोकें दी आवाज बुलंद करने आस्तै कोई नहीं रोकी सकदा। मिकी ना कुर्सी चाहिदी ना मिनिस्ट्री चाहिदी ना मिकी MLAship चाहिदी मिकी इस मातृभूमि दे प्रति प्रेम है ये मेरी जन्मभूमि है ये मेरी कर्मभूमि है ये मेरी मातृभूमि है इसकी सेवा करने से कोई नहीं रोकी सकता माई दा लाल कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने और तो उसी और उसी मैं उसी बार में भी करना जिन्नियां साजिशां करनियां कर ले मनोहर लाल शर्मा झुकना ला नहीं है ये साजिश सारिया पार्टियां मिलियै रची है मेरे खिलाफ और मेरी छवि जिन्हें इस रियासत की तबाह और बर्बाद किया रियासत ने जिसने इस रियासत का नामो निशान मिटाई दिता उन्हें लोगों ने लोकें जो है नहीं लोग नफरत करते हैं उनकी नीतियां लोग उनके काम कार उनके कारोबार चा दुखी युवा दुखी है इतना व्यापारी वर्ग पीड़ित है इतों का किसान पीड़ित है इतों आम नागरिक पीड़ित है बिजली नहीं पानी नहीं सगोरा माता मल माता के चरने मत्था टेकता ही बार लोगों पकड़ लिया उन्हें गला बिजली नहीं है मेरा जोत की लाइट मोबाइल की लाइट मत्था टेकया तुम्हें वीडियो भी पैदा ये तीर्थ स्थानें की हालत नवरात्रे 24 घंटे बिजली देंदे होंगे सुकराला माता मेरा पिंड याद रखो 24 घंटे सुकराला माता बाला सुंदरी थोड़े भाई साहब पंडित ने कुदा बंद हो हिंदुओं की सरकार जेडे हिंदुओं के नाँ पर तुसीं रोज टीके लांदे पखाई पखाई टीके ठोकदे उनका हिंदुत्व कुत्थें मरी दा जरूर चलायो चलायो उस उंदा उंदी आत्मा कुत्थें सुत्ती उंदी आत्मा कुत्थें मरी दी ओए BJP आले हो तुसीं मैं आखना चाहना तुहाडी आत्मा कुत्थें मरी दी अज भी तीर्थ स्थान च बिजली नहीं मल माता दे स्थान च बिजली नहीं न्हेरे लोकें मोबाइल च ज्योति चली और आरती उत्थां होवे ए हिंदुत्व ओए समां हां 24 घंटे बिजली नूं रत नहीं जांदी ये झूठा नकाब हिंदुत्व दा तुआरी दिओ जिन्हें कोई गलत फहमी है ये तबाही और बर्बादी दे रस्ते जिल्लै सवेरे निकलिया लेट क्यों होया सुंजुआ अटैक होता 4 बंदे मारी थे जेड़े आखते मिलीटेंसी खत्म करी थी और अस भी गांधे देश मजबूत होवा देश मजबूत होवा कश्मीर च तुसें ग्रां च खड़ोइया गल नहीं कर सकते इ'यां बैठो हाँ घरे दा निकलना कुसै लीडर है सरपंच है पंच है DDC PDC ने निकलना होवे 48 घंटे पैह्लें SP के लिखना पौंदा भी फोर्स डिप्लाई होंदी घर दा निकलदा ये हालत है कश्मीर की जिसी आखते अमन और शांति करी दिता 79 च भी लोग जोड़े कश्मीरी पंडित उतुआ नहीं निकले अज उतुआ निकले जिन्हें ग्रां चुके उसे सुरक्षित है वह अज उतुआ आवा दे रोज TV तुम दिखा दौ फिर आखा दे अमन है शांति है सवेरे सवेरे चुसम उसे अस जल्द निकले ना असं भी नहीं पता लगा न्हेरे क्या लेट होया मैं माफी चाहगा ना रफीक जी ने आख्या और गुरु जी ने मेरे आख्या मैं इंदा अदे सिर मत्था मगर
दयाला चक टू जम्मू तक जोड़ा अस सफर लगभग 40 मिंट करने डेढ़ पौने 2 घंटे टोटली धुंध डिंगे अंब धुंध खत्म हुई डिंडे जिले में सुकराला माता चौसदा हा सवेरे सवेरे मत्था टेके ना लोग जिले में गया 4 लोग हे कुछ ने मिलना भी पौधा खुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना जोर कितना बाजो कातल में है ए शेर उन्हें बदमाशे उन्हें चाल बाजे आस्तै उन्हें चक्कर भी रचने आस्तै दमे लोकें दे बलौर दे लोकें दे दिल जीतो तुस गलागे मनोर के डिस्करेज करके साढ़े कन्नै बी शामिल हो जाओ तुस कहा के लोकें गुमराह कर देगे एदी अमेज दुमल करके तो लोग गुमराह होइया मनोर की छोड़िया असें एक बारी फिर वोट दे दें वोट थोड़ी कारकर्दगी बने रिपोर्ट कार्ड आदरणीय मोदी जी के पास नहीं है रिपोर्ट कार्ड आप लोग लिख रहे हो मेरा भी और निर्मल सिंह का भी रिपोर्ट कार्ड आप बीजेपी का भी लिख रहे हो मेरा भी लिख रहे हो और 14 जो कैंडिडेट 2014 में थे सबका लिख रहे हो जो आज तक गहरी कुंभ करने की नींद में सोए हैं जब इलेक्शन आएगी तो फिर देखना शुरू हो जाएंगे उनका भी देखो असें कुछ ने विश्वासघात नहीं किया वफादारी ने साथ दिता उस लीडर का मेरिया बड़िया गल्ला नरेंद्र शर्मा जी ने आखी मेरिया बड़िया गल्ला नरेंद्र शर्मा जी ने आखिया असें मिलिया नहीं 2002 कांग्रेस की तुम्हें एमएलए दिता बलौर तुसें दिता 2005 की लीडर साढ़ा चीफ मिनिस्टर बनया मैं रिजाइन दिता ओद्दे एमएलए तुसें बना दा हा कांग्रेस पार्टी ने नहीं बना दा मैं लीडर दी बना चीफ मिनिस्टर बनाने वास्ते रेजिग्नेशन पेश किया असेंबली स्पीकर साहब तारा चंद जी की कभी पुछो मनोहर ने दिता या नहीं और वो साइन कर लेंगे मैं 2005 की असेंबली जान सीट कुर्बानी दिखो 2008 उन्दे अपने जिले बम बम बोले लोग पूरे कांग्रेस के खिलाफ हे थे उसलै आखिया मेरी टिकट पर लड़ना मैं तुसें लोकें पुछा इतने रेस्ट हाउस मैं कुर्बानी दे दी मेरा 3 मिनट उन्हें अफसोस की गल की और कम से कम 1 घंटा 40 मिनट जी जाना पार्टी बीजेपी बनाने की गलती इंटरव्यू मैं तो नहीं आखिया तुम दिखो ना कमल शर्मा देखो सर सोशल मीडिया तुम दिखो अब अपनी मर्जी ने अपलोड दिखा उन्हें गलाया जब मैं मेरे ने लास्ट थोड़ी गल होगा तो कुछ मिनट का बाद थोड़ा ये निकला मैं कुछ नहीं आखिया मैं कुछ पार्टी के लीडर नहीं आखिया मेरी मदद करो मैं अदालत खुद पेश हों रहा एज ए मिनिस्टर मतलब मैं जवाब दे दूंगा हो बाद खुद ही उन्हें डिसमिस किया गल कर दो ये बड़े जख्म बड़िया गलां तुम्हें मैं अच्छे आखे इस सीने के अंदर इन्ने जख्म इस सीने ने बड़े जख्म अपने लोग विश्वासघात खाधे न कदम कदम पर धोखा मिले हर कदम कदम पर धोखा मिले और जेद अस लड़ते रहे जिस जान कुर्बान करते रहे जिसी अपने असें गॉडफादर समझिया जिसी अपने प्यो की जगह समझिया जिसी अपने बड़े भ्रा की जगह समझिया परिवार का हड मैं और तुसें भी समझिया मैं जिंदगी कभी घबराया नहीं मैं जिंदगी कभी रोया नहीं जिसलै सिवरे तुस लोग रमेश जी तुस सारे आए सवड़िए साहब सिवरिया घर थोड़ी अक्खां च सारे दे आंसू देखे मैं थोड़े असें आंखें आंसू देखे 150-200 आदमी सिवरिया बिना बुला दा मेरे घर च मैं जिसलै जम्मू गया मैं इत्थें गल नहीं करना हूँ ये मीडिया ट्रायल हो मेरे लीडर ने मीडिया ही दिता मैं थोड़े कन्नै मीडिया थ्रू गल करगा जी मैं जिसलै जम्मू पुजदा मैं अपने पक्ष रखा मीडिया थ्रू हूँ मैं थोड़े इंडिविजुअल गल सिर्फ 10 मिंट 5 मिनट थोड़े ब्रीफिंग की तुसें मेरी गल सुनी तुसें विश्वास किया और मते तुस मेरे कन्नै जम्मू पुज्जी गे बाद च मैं कि'यां थोड़ा रिन्न चुकाई सकदा मैं तुसें कोई पैसे देना गड्डियां तुस तोड़ा दे तेल तुस फुका दे ध्याड़ियां कम्म अपना छोड़िए दिन रात लड़ा दे कोह्दी छवी असें लड़ा ने अपने लीडर मनोहर लाल ने चीफ मिनिस्टर बनना मनोहर लाल ने कभी आखिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनो पार्टी के लीडर के अपने जज्बात होंगे अपने लीडर की उपर दिखना चाहते कभी आखिया मनोहर लाल चेयरमैन कहीं भी मेरा लीडर आखी दिया कि मैं कभी आखिया मगर जिते कोई कमी होंगी संगठन च अगर अस संगठन की बेहतरी गल करने हालां मते मते 4 दिन होए संगठन बने अगर अस कोई बेहतरी गल करने तो वह एंटी पार्टी हो गई ठीक आखिया साथ नरेंद्र शर्मा जी ने कि ना नहीं हालां सिंपल नहीं ना पहले कुछ हा दूआ कुछ आई गया नुहाड़े बाद भी तुस एंटी पार्टी एक्टिविटी कि
जी पार्टी रजिस्टर नहीं हुई, जिस पार्टी के बायलास पब्लिक डिमांड्स ने, जिदा मंशूर कोई नहीं, जिस पार्टी की आर्गनाइजेशन अज अनाउंस करा दिया मिड वे है, इन प्रोसेस है, जिस पार्टी से तुसें प्राइमरी मेंबरशिप नहीं की हल्ले ड्राइव नहीं हुई, जिंद कोई रूपरेखा नहीं है थोड़ा उस पार्टी की एंटी पार्टी गतिविधि कि और मैं थैंकफुल हाँ कुदरती मेरा जाने पहले मेला में घर बैठा और प्रिंसिपल साहब ने अपना